आखिर क्यों बना एक विशेष समुदाय पुलिस डिपार्टमेंट का दुश्मन? आखिर ऐसा क्या हो गया जहां पुलिस डिपार्टमेंट पर लोग इतना भरोसा करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि एक विशेष समुदाय पुलिस डिपार्टमेंट का दुश्मन बन गया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। मैं साक्षी सहनी, और बात की जाए इस खबर की, एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, और इस हैरान कर देने वाले मामले की सारी जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी के लोगों के साथ भी ये जो जानकारी है वो जरूर साझा करें। तो जानकारी जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है, जिसके चलते पुलिस के कई जवान जो है वो घायल हुए हैं, और अब इस तरह से घायल हुए हैं कि डीएसपी हेडक्वार्टर कठुआ जो है वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। क्या मामला हुआ है, क्या हुआ है, इस बारे में जानने के लिए मोहित से बात करेंगे। मोहित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी साक्षी। मोहित जी, क्या मामला हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, कहाँ हुआ है कि ये जो समुदाय है ये पुलिस डिपार्टमेंट के विरोध में हो गया है? आज सुबह प्रशासनिक टीम के साथ कठुआ पुलिस नगरी में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, जहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने नजायज कब्जा कर रखा था। उस कब्जे को हटाने के लिए जब हमारी पुलिस पार्टी वहां पर पहुंचती है, एकाएक विशेष समुदाय के लोग उन पर पथराव कर देते हैं, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर जो इस समय कठुआ में तैनात है मनजीत सिंह, वो घायल हो गए हैं, और लाइन से गई हुई नफरी के दो जवान घायल है जिनका इलाज इस समय जीएमसी कठुआ में चल रहा है। इसने इस संबंध में धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर दो लोगों को जाके हिरासत में ले लिया है, और बाकी लोगों की तलाश जारी है। तो मतलब ये है कि एकाएक से लोग नाराज हो जाते हैं, ये तो अतिक्रमण हटाने का काम पुलिस डिपार्टमेंट वहां कर रहा था, लोग उससे नाराज हो गए। बिल्कुल शाक्ति, ये लोग विशेष समुदाय के लोगों ने अगर देखा जाए कई जगह पर नजायज अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है। जब इस कब्जे को हटाने के लिए वहां पर प्रशासन टीम के साथ पुलिस पहुंचती है तो ये लोग पुलिस पर, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर विशेष समुदाय के लोग हमला कर चुके हैं। जी जी जी, आगे भी पहले कई बार ऐसे मामले जो है वो सामने आए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर लेकिन आप ये बताए कि कितने पुलिस के जवान जो हैं वो घायल हुए हैं? 4 से 5 जवानों के घायल होने की जो सामने आ रही है, लेकिन मेरे और उन्हें कहाँ भर्ती किया गया है मोहित? मैं आपको पहले बता चुका हूँ साक्षी की इन लोगों का इलाज जीएमसी कठुआ में चल रहा है। जीएमसी कठुआ में चल रहा है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है, और दो लोगों को नगरी पुलिस के जो ये अपना सब इंस्पेक्टर है आशीष, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। जी, तो इसके बाद इस पर क्या कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर लेकिन क्या प्रशासन की तौर से और कोई एक्शन उन पे लिया जाएगा? साक्षी, जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ धारा 307 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस उस मामले में कितने लोगों को नामजद करती है, कितने लोगों की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की और हमारे दर्शकों के साथ साझा की, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहित सिंह जम्वाल, हमारे क्राइम रिपोर्टर, जिन्होंने ये सारी डिटेल्स जो है, सारी जानकारी जो है वो हमारे साथ साझा की है कि किस प्रकार एक समुदाय जो है, एक विशेष समुदाय जो है, जब वहां पर देखने को मिला कि उस इलाके में अतिक्रमण जो है उस पर काम किया जा रहा था, इन कब्जा किए हुए जगहों से जहां पर इन्होंने कब्जा किया था वो उन जगहों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, वहां पर ये विशेष समुदाय नाराज हो जाता है, और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अपनी नाराजगी के चलते उस पुलिस डिपार्टमेंट को निशाना बना लेता है। निशाना बनाना तो ठीक था, पर लेकिन कुछ इस तरह से निशाना बनाया गया इनकी तरफ से कि उनको बुरी तरह से घायल कर दिया गया। जीएमसी कठुआ में अभी भी जो घायल जवान हैं वो इस वक्त बुरी तरह से घायल हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, हो सकता है इतनी बुरी तरह से घायल हो चुके हों कि क्या पता जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो भी वो लोग लड़ रहे हों। हालांकि बात की जाए और इसमें कौन बुरी तरह से घायल हुआ है, तो सबसे
बड़ा जो नाम सामने आया है वो है डीएसपी हेडक्वार्टर कठुआ, यानी कि जो डीएसपी हेडक्वार्टर कठुआ है वो बुरी तरह से घायल हो चुके हैं इस मामले में। इन पर कड़ी कार्रवाई जो की जा रही है उसके बारे में अब आगे का क्या एक्शन होता है वो तो फिलहाल आने वाला वक्त और पुलिस डिपार्टमेंट ही बताएगा, पर फिलहाल के लिए इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जिन्होंने पुलिस को उनकी ड्यूटी करने से रोकने का काम किया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस प्रकार जहां पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा था वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट को उनका काम करने से रोकना कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है? और इस विशेष समुदाय ने जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट को अपना निशाना बनाया है, निशाना बनाते हुए बुरी तरह से सबको घायल किया है, उसके बारे में भी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।